आज मैंने अपनी पूरी बाइक खोल दी है, आज मैं इसमें मैट ब्लैक टैपिंग कराऊंगा, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे पार्ट खोलें, क्योंकि अगर आप पार्ट नहीं खोलोगे तो बार बार से जो है टेपिंग सही से नहीं होती, जो मैकेनिक जो भी टेपिंग करता है वो सही से नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके सारे पार्ट खोले हैं। सेकंड मैं इनके जो मैंने जो ये वाले पार्ट खोल रखे हैं इस टाइम पूरी बाइक के, इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन करूँगा। क्लीन तो वैसे वो भी करेंगे, पेट्रोल या कोई भी लिक्विड हो उनके पास, ठीक है। तो कुछ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बाइक के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो टूट चुके थे और मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ नए पार्ट से। तो जैसे कि ये मडगार्ड है, ये यहाँ से टूट चुका है, ये देखो ये पीस, ठीक है। और यहाँ से तो बिल्कुल कोई भी वॉशर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका रिप्लेसमेंट में मैंने ये जो है पार्ट मैं लेके आया हूँ, ये पार्ट जो है मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये पार्ट नया है, ये पार्ट मुझे पड़ा है 430 का, ठीक है। और ये ब्लैक है, एक्चुअली मेरी बाइक का कलर भी ब्लैक है, मैंने रेड पीस ऐसे डलवाए थे टोटली, क्योंकि मिलते नहीं है, ठीक है। और सेकंड मेरा ये पीस मैं नया लेके आया हूँ, नया कह लो कहीं से स्क्रैप से लेके आया हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी मुश्किल से ही मिलता है क्रिस्मा का। तो ये पार्ट मैं रिप्लेस करूँगा इस पार्ट की जगह, जो मेरा ये वाला पार्ट टूट गया है, ठीक है। ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा इसको, जो भी इसका जिस तरीके से लगता है ये, ठीक है। ये पार्ट मैंने सारे खोले, इसके टंकी वंकी जो भी है, सीट कवर मैं लाऊंगा इसमें। तो ये जो मीटर है मैं चाहता हूँ कि सारे पूरी ब्लैक हो मैट कलर में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जिसमें मैं पूरी बाइक मैट कराऊंगा और कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं इसमें करना चाहूँगा। और आप भी सजेशन दे सकते हो मुझे कि मैं इस बाइक में क्या चेंजेस करूँ कि लुक वाइज अच्छी लगे, रिमॉडल लगे। सो गाइस टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।